हे गाइस, रूही के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी पसंद के आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाने के लिए हमने लिए 400 से 500 ग्राम आलू। आलू को हमने उबाल लिया है और उसके छिलके निकाल कर उसे मैश कर लिया है। हमने यहाँ लिए 4 से 5 पीसी हुई लीली मिर्च, एक बड़ी साइज़ की प्याज, स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी चम्मच चाट मसाला, 2 चम्मच तेल डालेंगे। इसमें हम प्याज डाल देंगे। हमारा प्याज को हम थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे। हमारा प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है तब तक हम आटे का डो बना लेंगे। हमने यहाँ गेहूं का आटा ले लिया है, उसमें हमने 2 चम्मच तेल डाला है, स्वाद अनुसार नमक डाला है और हमने डो तैयार कर लिया है। आप चाहो तो मैदा भी ले सकते हो और आप चाहो तो मैदा और गेहूं के आटे को मिक्स करके भी ले सकते हो। हमारा डो तैयार हो चुका है, अब इसे हम 10 मिनट ढककर रख देंगे। अब हम वापस हमारे प्याज पास चलेंगे। हमारी प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, इसमें हम पिसी हुई मिर्च डाल देंगे। पिसी हुई मिर्च को थोड़ी भुनेंगे। हमारी मिर्च भुन चुकी है, इसमें हम पहले हल्दी डाल देंगे। हमारी हल्दी भुन चुकी है, अब हम जितना बचा हुआ मसाला है सारे मसाले इसमें डाल देंगे और सभी मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। और सारे मसाले मिक्स कर कर हम हमारे उबले हुए आलू इसमें डाल देंगे और उसको सारा मसाले के साथ भून लेंगे। हम आलू को 2 मिनट तक मसाले के साथ पकाएंगे और ऊपर से धनिया डालकर हम गार्निशिंग कर लेंगे। हमने गैस पर तवा चढ़ा दिया है, अब हम बनाएंगे आलू पराठे। आलू पराठे हम 2 तरीके से बनाएंगे। पहला तरीका हमारा है कि हमने 2 लुइया तैयार कर ली। पहले हम 1 लुइया में से 1 रोटी को बेल लेंगे और बाद में हम दूसरी रोटी भी ऐसे ही बेल लेंगे। अब इसके बीच में हम हमारी आलू की स्टफिंग जो बनाई हुई है वो डाल देंगे और उसके ऊपर हम हमारी बनाई हुई दूसरी रोटी को मिक्स कर देंगे और फॉक से या हाथों की मदद से उसको चिपका देंगे। अब उसको बेलन से थोड़ा बेल लेंगे और थोड़ा उसमें मसाला मिक्स कर देंगे। हमारा आलू का पराठा तैयार है, अब इसको हम सीक लेंगे। अब हमारे पराठे को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा उलट सुलट कर सीक लेंगे। जैसा ही हमारा पराठा सीक जाएगा हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे और इसे घुमा घुमा कर अच्छे से ब्राउन होने तक सीकेंगे। देखो हमारा पराठा रेडी है, कितना टेस्टी यम्मी पराठा बना है। अब हम दूसरा तरीका बताएंगे। इसमें हम पहले नींबू साइज की लुई ले लेंगे और उसको हम रोटी बेल लेंगे। रोटी बेलने के बाद इसमें हम स्टफिंग भर, अब इसको हम मोमोज की तरह चारों तरफ से पैक कर देंगे। ऊपर से हम ज़्यादा की लुई निकाल कर आटा छिड़क कर उसे बेल लेंगे। हम पराठे को एकदम हल्के हाथों से बेलें। हमारा दूसरे तरीके से भी आलू पराठा तैयार है, अब इसे भी हम सीख लेंगे। ये आलू पराठा भी हमारा तैयार है, अब इसे हम एक डिश में निकाल लेंगे। हमारा डिलीशियस और टेस्टी आलू पराठा तैयार। मेरी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी आलू पराठा बनेगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कौन सी रेसिपी चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।